अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों के हैरो आफियत से। तो किस्सा कुछ यूँ है कि लॉकडाउन खुल चुका है और हम जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है बाहर, किस तरीके के हालात हैं। तो काफ़ी दिनों से हम लोग अंदर बंद थे, तो मैंने सोचा कि चलो जी इसके साथ वीडियो भी हो जाती है और आपको बताते हैं कि बाहर के हालात कैसे हैं। क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है मैं हाई स्ट्रीट नहीं गई, मुझे बहुत सी चीज़ें लेनी है। तो चलो जी तुम चलो मेरे नाल ते जाके फिर असी करने हैं कुछ शॉपिंग शूपिंग, इफ़ वी गेट इट। ओके जी आ जाओ। हम आ चुके हैं जी हाई स्ट्रीट में, और हाई स्ट्रीट का हिसाब यहाँ पे कुछ यूँ है कि बरारुल हक का गाना मुझे याद आ गया कि लाइन बनाओ तो टिकट कटाओ, सारे लोग बैंक के सामने लाइन लग के खलोते ने जी, लाइनों लाइन लग जाओ। तो दरमियान में उन्होंने जी ये टेप के जरिए पार्टीशन कर दी है पाकिस्तान और इंडिया की तरह, एक तरफ आपने रहना है और एक तरफ आने वाले, एक तरफ जाने वाले, और हम देखो जी पुठे पास टूट रहे हैं। कोई बात नहीं जी, जो बड़ी शॉप्स हैं जो कि जिनकी पसली थोड़ी सी सह लेती है, उन्होंने क्या किया कि बाहर ये जंगले शंगले लगा दिए हैं, हैंड सैनिटाइज़र रख दिया है कि यहाँ से जी आप अपने हैंड को सैनिटाइज़ करें फिर अंदर जाएं। चलो जी अभी जाते हैं हम बाहर के हालात भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें हैं जी वहाँ पर तो बिल्कुल भी रश नहीं है, लेकिन जो कपड़े जूते वाले चीज़ें हैं ना वहाँ पर तो उन्होंने अंत चुकी हुई है। और यहाँ पर देख लो जी पब्लिक आवाम खुलेआम चलिए चल रही है, और यहाँ पे देखो जी 150 के बंदे इन्होंने मजमा बना के खड़े थे, फिर कहते बूटा गाला कटदा है, बूटा गाला ना कटे तो की करे। छोटो जी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी हम आ चुके हैं जी सुपर ड्रग में। हाई बहुत मिस किया मैंने इस दुकान को, बताती हूँ क्यों हमने मिस किया। ठीक है जी, यहाँ पे जब हम आए तो हमने मैम से पूछा कि बेसिकली मैडम जी फरमा रहे थे कि शुक्र कीता तुसी आए हो, तुहाड़ी अपनी दुकान है जी, अन्नी पा दो लेकिन किसी के बीच ना वजियो, जिधर को आ रहा आवे दूजे पास मुड़ जाइयो। ठीक है जी, तो आप आराम से आइए। यहाँ पे ये सन प्रोटेक्शन की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, उन पर हाफ प्राइस सेल लगी हुई है, तो अगर आप लोग सुपर ड्रग पर जा रहे हैं तो इस आयल में जाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव, ये 35-35 की ये एक है, ये जो सन प्रोटेक्शन के लिए जो फेस के लिए स्पेशली, तो आप वहाँ से हाफ प्राइस से ले सकते हैं। अभी जी हम आ चुके हैं लिपस्टिक के सेक्शन में, और यहाँ पे आप ट्राई नहीं कर सकते, उन्होंने सारे टेस्टर्स उठा दिए हैं, अभी आपने बस तुक्के के साथ लेनी है। तो मेरे जैसा बंदा जो कि ट्राई कर कर के भी वही शेड उठा के लेके आता है जो कि उसके पास पहले घर में मौजूद होगा, तो अभी वो बेचारा यहाँ पे क्या करे, दसो ज़रा हूँ। अच्छा जी, ये जो हाईलाइटर था ये बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके ऊपर सेल नहीं थी, तो फिर अभी सेल का वेट कर लिया जाए या ले लिया जाए, डिसीजन टाइम। चलो बास्केट में रखते हैं, थोड़ी सी तसल्ली होती है, और फिर जाते जाते डिसाइड करेंगे इधर की करना। ठीक है जी, लेकिन इन द एंड पे मैंने ले ही लिया था। अच्छा जी, लोरियल वालों की ये लिपस्टिक्स थी, बहुत ही खूबसूरत लिपस्टिक्स थी, लेकिन मैंने ट्राई नहीं कर सकती थी, लेकिन घर आके जब मैंने ट्राई की तो बहुत खूबसूरत थी। ये जी 3 for 2 की ऑफ़र पे लगी हुई थी, तो मैंने ये 3 शेड्स ले लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड 9 pound की शायद एक थी, और अगर आप 2 लेंगे तो एक आपको फ्री मिलेगी, फ्री फ्री फ्री। ठीक है जी, तो ये हमने अपनी रंगबाजी का थोड़ा बहुत सामान ले लिया, तो अभी हम चलते हैं घर। कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक शॉप होगी, लेकिन हमारे लिए पूरी दुनिया है, समझने वाले इस बात को बड़े हूपी से समझ चुके होंगे। मैंने पूरे लॉकडाउन में शायद किसी चीज़ को इतना मिस किया हो जितना मैंने इस शॉप को मिस किया है, तो मैं आप सब लोगों के सामने इतराफ़ करती हूँ कि आई लव यू प्राइमार्क। जगह जगह उन्होंने प्रिकॉशन बोर्ड्स लगाए हुए थे, लेकिन कोई बंदा जे फॉलो कर जाए, देखो जी अन्य भाई इन्होंने, लेकिन इतनी लंबी लाइन थी कि आधा घंटा लगने के बाद मैंने जी अपनी मतलूबा चीज़ हासिल कर ली। ओके जी, आज हमारी फैमिली में जी एक नन्ही सी परी भी की भी आमद हुई है, तो हमने जी उसकी भी शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं जी कार्ड फैक्ट्री। तो कार्ड फैक्ट्री से हम लेंगे कुछ बलून वगैरह, और साथ में लेंगे हम कार्ड्स। यहाँ पे भी जी सबसे पहले हमने देनी है हाज़िरी, ये हमने हाज़िरी दे दी, और उसके बाद अभी जाएंगे हम, और हमने ले लिए बलून्स, और यहाँ पे हमने जी देखी कितनी क्यूट सी ये 2 डॉल्स थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो हमने ये डॉल्स भी ले ली। साथ में मेरे बेटा था, तो वो कहता है मामा आजकल हर चीज़ मैचिंग चलती है, तो उन्होंने जी जनाब ने दोनों डॉल्स के साथ ये मैचिंग कार्ड्स भी ले लिए। चलो जी यहाँ पर हमारी जब मैचिंग हो जाएंगी तो अभी हम चलेंगे जी केक शॉप पर। यहाँ पे बहुत कम टाइम लगा, सारे केक्स रेडी थे, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी का एक केक पिक करना था, और उसके ऊपर उन्होंने जी मैसेज लिख के आपको दे देना था। तो हमने जी यहाँ पे ये वाला केक पिक किया, और उसके ऊपर जी हमने मैसेज लिखवा दिया वेलकम लिटिल एंजल, क्योंकि बेबी का भी नाम नहीं रखा गया, हो सकता है वो बेबी का नाम एंजल ही रखते, यू नेवर नो। सही है जी, अभी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी हमने जाना है घर, और बिल्कुल आगे पीछे नहीं देखना, सीधे कार चलो जी, चलो जी।
स्टोरी अभी मुकी नहीं है, स्टोरी अभी शुरू हुई है, अभी हम जाने लगे हैं जी पेट्रोल डलवाने। उम्मीद करती हूँ कि जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आज मैं आप लोगों के साथ जाते जाते एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई तो मैंने गुजारिश की कि कुछ नसीहत कीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया कि कभी बर्तन धोए? मैंने उनके सवाल पर हैरान हुआ और जवाब दिया कि जी धोए हैं। पूछने लगे क्या सीखा? मैंने कहा इसमें सीखने वाली क्या बात है। वो मुस्कुराए और कहने लगे बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। समझने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, अपने अंदर को अपनी नीयतों को भी साफ रखना चाहिए। अगर आप किसी के साथ नहीं चल सकते हैं तो अपना दिखावा भी मत करें, बिल्कुल जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर से रहने की कोशिश करें। तो जाते जाते एक और गल भी ज़रूर करा दी कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, डिगरते दिन गया मोहम्मद ओड़क नू डूब जाना। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आसानियाँ बांटें, क्योंकि आसानियाँ बांटने से आसानियाँ मिलती हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड फॉर लाइफस्टाइल विद सादी।